चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। डील से मैंने कब इनकार किया है? क्यों तुम बेकार की बातें करके ये हसीन रात के लम्हे बेकार कर रही हो? देखो, हाथ मत लगाओ मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। अमार चाय। क्या हुआ, थके हुए लग रहे हो? हाँ, इंसान शायद कामों से इतना नहीं थकता जितना उसे सोचें थका देती हैं। आज नीलम के निकाह के बारे में सुन के सबसे पहला ख्याल मुझे भाई का आया। मैंने काफी कोशिश की कि उस सोच को छटक सकूं, लेकिन नहीं छटक पाया। आज भाई को बहुत दुख हुआ होगा। मान लो अमार भैया सारे दुखों और तकलीफों से आजाद हो गए। हाँ, वो दुखों और तकलीफों में थे, लेकिन जब वो नीलम के साथ थे तब। और हम क्यों जिक्र कर रहे हैं उसका? मुझे लगता है कि नीलम का नाम भी भैया के साथ जोड़ना उन्हें तकलीफ देता होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। अमार, मैं सालार का सोच रही थी। नीलम तो उसे अपने साथ लेकर नहीं गई होगी ना? नीलम उसे अपने साथ लेकर जाए या नहीं, लेकिन ये बात तय है कि वो सालार को हमें किसी सूरत में नहीं देगी। हम सफिया आंटी से बात करके देखें। नहीं, मैं उनसे बात करके उन्हें नीलम के आगे शर्मिंदा नहीं करवाना चाहता। जानता हूं कि आंटी भी यही चाहती हैं कि सालार हमारे साथ रहे, लेकिन यहां बात कोर्ट के फैसले की है। नीलम का कुछ भरोसा नहीं, वो इस इशू को कुछ का कुछ बना सकती है, सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट होगी है, और ये मैं नहीं चाहता। बदतमीजी है नासिर, ताला क्यों लगाया हुआ है? बहुत पहले से सोच रखा था मैंने तुम्हारे लिए। ये ताला और कुंडी खास तुम्हारे लिए लगाया है। देखो, अब तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि तुम्हारी हर बात के आगे अपना सर झुका दूं। ये ताला अभी के अभी खोलो, मुझे अपने घर जाना है। शादी के बाद लड़की के
अब क्यों तुसे कमरे में बंद ही रखेगा? हाँ बंद रखूंगा इसे, खाना पानी अंदर ही देना सब। देख नासिर, इन सब झमेलों में मत पड़। तूने पैसों के लिए शादी की थी, पैसे ले और इसे चलता कर यहाँ से। हाँ, शादी मैंने पैसे के लिए की, साथ में से सबक भी सिखाना है। औकात याद दिलाऊंगा इसकी। बड़ा गरूर है ना इसे खुद पर। अगर इसका गरूर मैंने पाँव के तले ना मसल दिया ना, मेरा नाम भी नासिर नहीं है। नासिर तू? देख अम्मा, मुझे मत समझा, कोई भी पट्टी मेरा दिमाग नहीं पलट सकती। वो तू अच्छी तरह जानती है, जब मैं अपनी आई पर आता हूँ ना, मैं कुछ भी कर गुजरता हूँ, चाहे वो तुम क्यों ना। ये घर से नहीं भागनी चाहिए, और अगर ऐसा तुमने किया ना अम्मा, तो बहुत बुरा होगा। बोल तो तू ऐसे रहे खुकार होकर, जैसे मुझे जान से मार देगा। अम्मा जब सर पे खून सवार होता है ना, तो मैं कुछ भी कर गुजरता हूँ। तुम मेरी माँ हो, इसलिए तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मगर पैसे के लिए तरसाऊंगा तुम्हें। पैसे पे जान देती है ना तू? नहीं नहीं, मैं ऐसे वैसे कुछ करने वाली नहीं, इसे बंद रखूंगी मैं। ये लो ताला चाबी, अंदर जाके बैठो ना, तो ताला लगा कर बैठना। बड़ी चलाक है, पहले बड़ी मुश्किल से काबू किया इसने। कहाँ जा रहे है तू? काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम जाओ अंदर। बड़ी चलाक है, इसका ख्याल करना, जाओ। मैं तो कहता हूं अमार को वापसी दे दें, मैं पराए बच्चों को पालने वाला नहीं हूं। और नीलो, उसने तो बाकायदा इसके लिए केस लड़ा है। वो तब की बात थी खाला, अब वो मेरी बीवी है, जो मैं कहूंगा वो करेगी। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। सालार सालार आगे कौन है? सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम, क्यों आए हो तुम यहाँ पे? खाला वो नीलम ने भेजा, कुछ सामान चाहिए। क्या चाहिए उसे? आप कमरा बता दो, मैं खुद ही ले लेता हूँ। अच्छा सुनो, नीलो को कह देना कि सालार मेरे साथ ही रहेगा। तो रख लें, मैं तो कहता हूँ अमार को वापसी दे दें, मैं पराए बच्चों को पालने वाला नहीं हूँ। और नीलो, उसने तो बाकायदा इसके लिए केस लड़ा है। वो तब की बात थी खाला, अब वो मेरी बीवी है, जो मैं कहूंगा वो करेगी। मैं पराए बच्चों को पालने वाला नहीं हूँ, बता दो जिसका है। एक बात बताऊं तुम्हें, नीलो किसी के कहने पे चलने वालों में से नहीं है। खाला उसका पाला शरीफ लोगों से पड़ा था, जिन्हें वो आसानी से बेवकूफ बनाती थी। ना तो मैं शरीफ हूं और ना ही बेवकूफ, मैं अच्छी तरह जानता हूं उस जैसी मूज और लड़की को कैसे चलाना है। उसने तुमसे निकाह इसलिए किया था कि? वो निकाह से पहले की बात थी खाला, शादी होते ही सब डील वील कैंसल, अब तो मुझे उससे प्यार हो गया है। उसे तो मैं तभी छोड़ूंगा जब मेरा दिल चाहेगा। कमरा बताए मुझे उसे कौन सा है। हाँ। साला
थी नीलम को कोई सोना शोना तो दिया ही होगा, इसने रखा कहाँ है? कहाँ रखा है इसने सोना? कही आंटी, हमारे तुम्हारा वॉलेट। आप सच कह रही आंटी? मैं अभी आ रहा हूं उसे लेने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या सफी आंटी की कॉल थी, मैं सलार को लेने जा रहा हूँ। वाकई? और नीलम? नासिर उन्हें खुद कह के गया है। ठीक है, उसे लेकर आता हूँ। खाला, ये सब क्या है? नासिर ने मुझसे मेरा फोन ले लिया और वो मुझे इस कमरे में बंद कर चला गया। देखिए, आप समझाएं उसे। अरे मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की उसको, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। थोड़े दिन रुक जा, मैं उसका मूड देखकर फिर उससे बात करूंगी। जब तक के तू भी उससे अच्छी तरह रह, शायद वो नरम पड़ जाए तेरे लिए। नहीं, मैं नहीं रह सकती उसके साथ, मेरा दम घुटता है। उससे अच्छा तो वकार था। जब मैं उसके साथ नहीं रही तो मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ? ये तो उससे भी ज्यादा गया गुजरा है। नहीं, मैं नहीं रह सकती उसके साथ। देख नीलो, रहना तो तुझे पड़ेगा। अब तू हंस के रहेगी तो जल्दी अपनी सजा खत्म करवा लेगी, और अगर गुस्सा करेगी तो खुद को और मुश्किलों में डाल लेगी। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। अच्छा खाला, आप नासिर से कहें कि वो सालार को तो लेकर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें मेरी गैर मौजूदगी में उसको अमार को दे दें। चल, करती हूँ मैं उससे बात। चल तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे। तेरी मर्जी। एक कमबख्त नीलो, कहाँ जा रही है? Thank you.
बेटा। कैसी हो आंटी? ठीक हूँ। कैसा है सालार? ये देखो ये देखो ये देखो देखो सालार की मानो मानो से नहीं खेलेगा आंटी। अमार तुमने बहुत अच्छा किया कि आंटी को भी साथ में ले आए। आंटी अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सिर्फ बातें ही करती रहोगी या खाने का भी कोई इंतजाम किया तुमने? खाने पीने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। पहले मैं आंटी को उनका रूम दिखा दूं। हाँ चले ये रहा आपका सामान आ जाए मेरे साथ। आ जाए आंटी। ये है आपका कमरा। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे बेटा। आए ना बैठे। आंटी आंटी। हाँ हाँ क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नीलो ने अपने आप को मुश्किल में डाल लिया है। नासिर के इरादे ठीक नहीं है। तुम्हें पता है आज वो घर आया था और उसने नीलो की एक एक चीज की तलाशी ली है। पता नहीं नीलो ने अलमारी में क्या रखा था लेकिन मैं इतना जानती हूं जो भी रखा था वो लेकर चला गया। नीलो ने अम्मार से शादी के लिए सब कुछ किया था ना कि मुझे नहीं लगता है कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। नहीं छोड़ेगा वो उसे, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आंटी आप प्लीज परेशान मत हो, नीलम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। कैसे निकालेगी रास्ता? खुद उसने सारे रास्ते बंद कर लिए अपने लिए। हंस गई वो पूरी तरीके से। अच्छा ठीक है मैं आपके लिए वाइन लेके आती हूँ। ये इतने दिन रुकने वाली नहीं यहाँ पे। अम्मा उसकी मर्जी चलेगी कब? जो जाएगी यहां से। हम अगर उसका अकाउंट खाली कर भी दें तो अमार वकार के हिस्से के पैसे उसके अकाउंट में डालता रहेगा। फिर तो ये सोने के कान हुई। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। भाई इतना जेवर कहां से ले आया तू नासिर? अम्मा ये सब नीलम का था, अब ये मेरा है। और भी होगा, फिलहाल तो मुझे यही मिला है बस। ये सब वकार ने दिया होगा उसको।
सबसे पहले तो मैं इन्हें बेचूंगा। अरे बेचने की क्या जरूरत है, मुझे दे दे, मैं संभाल के रख लूंगी। अम्मा तुम्हें दे दिया ना तो तुमने संभाल लिया, पैसों के मामले में मैं किसी पे यकीन नहीं करता, तुम पर भी नहीं। इसके बारे में क्या सोचा है तूने? क्या सोचना है, बता तो दिया था तुम्हें। क्या सारी जिंदगी गले का हार बनाकर रखेगा इसे? हाँ शायद रख भी लूं। ये इतने दिन रुकने वाली नहीं यहाँ पे। अम्मा उसकी मर्जी चलेगी कब, जो जाएगी यहाँ से। हम अगर उसका अकाउंट खाली कर भी दें तो अमार वकार के हिस्से के पैसे उसके अकाउंट में डालता रहेगा। फिर तो ये सोने के कान हुई। तो दाद देती हूँ ना अपने बेटे को। अमर तुम तो इस सोने के कान में से खराब बटोरती रही हो, मैं एक ही झटके में पूरी तिजोरी ले आया। अरे ये क्या कर रही हो, उतारो उतारो, दो मुझे। अरे उतार ना उतार, दे इधर। ऐसे ही मजे आ रहे हैं अम्मा, वो भी उतार। क्या बात है, परेशान लग रही? हाँ वो बस आंटी नीलम की वजह से बहुत परेशान है अमर। क्यों? उन्हें लगता है कि नासिर ने नीलम को ट्रैप कर लिया। अगर कर भी लिया होगा तो वो उसके जाल से बआसानी निकल जाएगी, बहुत चालाक है वो। आंटी से कहोगे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और उनसे कहो कि नीलम उस फेस से निकल जाएगी। अगर ना निकल सके ये हमारा मसला नहीं है, हमें उसके बारे में सोच के अपने घर की खुशियां बर्बाद करना नहीं चाहिए। उस सब की जिम्मेदार वो खुद ही है। पास जिम्मेदारी की नहीं, जिंदगी की। जिंदगी ही ली है उसने मेरे भाई की, वही जिम्मेदार है हमारी खुशियों को बर्बाद करना। अब उसका जिक्र मैं इस घर में नहीं सुनना चाहता। वो आंटी की बेटी, आंटी परेशान होती है तो ठीक है, नीलम का तुमसे या मुझसे कोई रिश्ता नहीं। समझ रही हूं मैं क्या कर रही हूं? इनके पिन कोड्स क्या हैं? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। एक शर्त पर बताऊंगी, अगर तुम मुझे तलाक दोगे तो। अगर मैं नहीं तलाक दूं तो फिर? ठीक है तो फिर रखो संभाल पिन कार्ड, वैसे भी पिन कोड। अस्सलामुअलैकुम, आप नाश्ता नहीं कर रही? बेटा दिल नहीं चाह रहा मेरा नाश्ता करने का। अम्मार
अगर हो सके तो मुझे तुम नीलो के अब्बू की कब्र पे ले जाओगे? जी ठीक है, मैं शाम में जल्दी आ जाऊंगा, तो फिर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा मत किया करें, माओं के तो बड़े हक होते हैं औलाद पर। हाँ होते हैं, लेकिन औलाद कहाँ निभाती है इन फर्ज को? नहीं निभाती होगी, पर मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊं, हद से ज्यादा आपका ख्याल रख सकूं। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। ठीक है तो मैं चलता हूँ, फिर मैं शाम में आता हूँ, तो फिर हम कब्रिस्तान चलेंगे। खुदा हाफिज़। आंटी आप फिक्र ना करें, देखिएगा नीलम बिल्कुल ठीक होगी। बल्कि आप कहें तो मैं अमार से कह के आपको मेरे खाला के घर ड्रॉप करवा देती हूँ, आप नीलम से मिल ले। नहीं बेटा, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग के सबर को और आजमाओ। माँ का दिल है ना मेरा, दिल को समझाने में कुछ तो वक्त लगेगा, और देख लेना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अब चलें, मुझे बहुत भूख लगी है, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें। नीलो नाश्ता कर ले, नाश्ता तो कर ले। ये देखे कैसे सिगरेट से जलाया उसने मुझे। इंसान नहीं है आपका बेटा, जानवर से भी बदतर है। ऐसा कोई करता है तो तू भी तो बाज नहीं आती ना अपनी हरकतों से। कहा था जरा प्यार से लेकर चल उसको, तो वो भी तेरे साथ तरीके से पेश आएगा। प्यार और उस वैसी इंसान के साथ, उसे तो देखते ही नफरत होती है मुझे। झूठ बोला उसने मुझे। देख नीलू, जो होना था वो तो हो गया, अब लकीर पीटने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। निकल जाए यहाँ से। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। आप मेरे भले के लिए नहीं कह रही है। अगर आप मेरा भला चाहती होती ना तो आप मेरी यहां से निकलने में मदद करती। आप और आपका बेटा दोनों मिले हुए हैं, आपकी नजर मेरे पैसों पर है। हाला खाला, आप मेरी यहाँ से निकलने में मदद करें। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूँ। मेरी जान छुड़ाएं उस वहशी, उस दरिंदे इंसान से। अच्छा तो तू सारे पैसे दे देगी मुझे? हाँ दे दूंगी खाला, आप बस मेरी इस घर से निकलने में मदद करें। उस वहशी इंसान से मेरी जान छोड़ा दे प्लीज। अच्छा चल फिर करती हूँ तेरे लिए कुछ। रुक, चल भाई निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकाल। अबे ओए अबे रास्ता ना आप इधर, पैसे निकाल। रास्ता ना पैसे। चल पार्टी। देख लूंगा मैं तुम लोगों को। इस नीलम के पैसे भी इसकी तरह फिरौती हैं, जेब में आते ही निकल गए। Thank you.
से धक्का देकर गई है मुझे, इतनी जोर से चोट लगी है मुझे। तूने भगाया था ना इसे अम्मा? अरे नहीं, मेरी मत मारी गई है जो मैं इसको भगाऊंगी। मैं तो नाश्ता देने गई थी, इतनी जोर से इसने मुझे धक्का दिया। बहुत शौक है तुझे भागने का, मैं अब तेरी ऐसी हालत करूंगा तू कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी। नहीं, हाला बचाए मुझे, हाला 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 नहीं नहीं हाला हाला बचाए मुझे हाला। कोई नहीं बचाने वाला तुझे यहाँ पे, भागेगी तुम? नहीं नहीं भागोगे, नहीं भागोगे। अगर तू भागी ना नीलम तो मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगा, मैं तेरे। ये ज़हन में रखना। चांद को दाग तो रातों को मेरी